वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 8. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल 4th. इन एग्जाम्पल 4th एक्सपेंड द फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 4 विच आर वैलिड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है. फर्स्ट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के अकॉर्डिंग, सेकेंड वन इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4 के अकॉर्डिंग, और थर्ड रीजन मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 4. देखो सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ जेड इसको सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है. न्यूमरेटर में टर्म है जेड स्क्वायर माइनस 4, जिसके फैक्टर करोगे जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2, ठीक है. या यहाँ पर देखो ये है जेड स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर अपना है जेड प्लस 1 और जेड प्लस 4. तो इसको यदि मल्टीप्लाई करो तो टर्म आएंगी जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 4, ठीक है. जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी जेड की 2 पावर है, जेड की 2 पावर है, ठीक है. सेम पावर हो या न्यूमरेटर में वेरिएबल की ग्रेटर पावर हो, देन डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हो, ठीक है. या ये कहोगे तो हम उस डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से सेम पावर हो या ग्रेटर पावर हो, देन वी डिवाइड बोथ टर्म एंड देन वी सॉल्व दिस टर्म, ठीक है. देखो कैसे इसको डिवाइड करोगे, तो इसका सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, फिर केस सेकंड के अकॉर्डिंग और फिर केस थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है. और ये अपना थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल 5th भी इसी पर बेस्ड है. इसमें देखो 5th में क्या है, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 2z³ + 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड. तो यहाँ पर जेड की 3 पावर है और यहाँ पर जेड की 2 पावर है, तो यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में वेरिएबल जो है वो ग्रेटर पावर में है, ज़्यादा पावर है. तो इस टर्म को डिवाइड करके और सॉल्व करेंगे, ठीक है. देखो एग्जाम्पल 4th को सॉल्व करो पहले स्टेप बाई स्टेप. फंक्शन एफ जेड ये है, ठीक है. जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 4, ठीक है. जेड स्क्वायर माइनस 4 को इस टर्म से डिवाइड करना है. अब ये जेड स्क्वायर है, ठीक है. यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, तो वन टाइम डिवाइड करोगे, देन वी गेट जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 जेड, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई और ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है. सॉरी ये देखो जेड स्क्वायर माइनस 4 है और ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है. इसका साइन माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस 8 माइनस 5 जेड. अब यहाँ पर जेड की 1 पावर है और यहाँ पर जेड की 2 पावर है, तो इसको नेक्स्ट डिवाइड नहीं कर सकते. माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5 जेड प्लस 8 5z + 8, ठीक है. तो पावर यदि लेस हो जाती है तो उस केस में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. ये तो क्लियर है, सभी को डिवीजन करना आता है. ये टर्म आ गई. अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे यहीं पर ले लो इसको, ये इसको डिवाइड किया है इस टर्म से, तो ये टर्म आया है अपना, रिमाइंडर है माइनस 5z + 8. तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, 1 माइनस ये वाला साइन माइनस, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इससे इसको क्लियर कर सकते हो, 9 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो 4 2 8, 1 रिमाइंडर. तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 1 बाय 4, ठीक है. जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ और ये, तो ये हो गया 4 2 8 और 1 9 अपॉन 4. या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 + 1/4, वही बात हो गई, 4 2 8 और 1 9 अपॉन 4. ये देखो इस तरह से 2 + 1/4 या 2 1/4. तो ये एग्जाम में इसको नीड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, सिंपल इसको डिवाइड करोगे और सीधे ये टर्म इक्वल टू 1 माइनस
5z प्लस 8 अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हो कोशेंट जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, या इसको फैक्टर करो तो जेड प्लस 1 और जेड प्लस 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 5z प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 4। अब इस टर्म को सॉल्व करोगे, इसको पार्शियल फैक्टर्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। किस तरह से करते हो सॉल्यूशन, जेड की पावर 1 लीनियर है, 1 है पावर, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो देखो इसको 5z प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 4 इक्वल टू ए अपॉन जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 4। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या थी, ए है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो पुट करोगे तो यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब जेड इक्वल टू माइनस 1 इस टर्म में पुट करोगे, बट इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें माइनस 1 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा जिससे इनफाइनाइट हो जाएगी टर्म, तो इसको छोड़ दो। बाकी जो टर्म्स हैं उसमें माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 5 प्लस 8 अपॉन माइनस 1 प्लस 4, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये एक की वैल्यू हो गई। इसी तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो पुट करो और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जेड इक्वल टू माइनस 4। जेड इक्वल टू माइनस 4 के लिए इसको छोड़ दो और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसमें पुट कर दो। माइनस 4 पुट करना है तो माइनस 20 प्लस 8 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 12 अपॉन माइनस 3, तो वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो ए, ये तो बी की वैल्यू हो गई और ये ए की वैल्यू हो गई, इसलिए सो 5z प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 4 अपॉन जेड प्लस 4, ठीक है। तो इसको पार्शियल फैक्टर्स में डिनोट कर दिया, तो इस टर्म का सॉल्यूशन इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। पुट करो इक्वेशन, ले लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ जेड इक्वल टू, देखो ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, 1 माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये दोनों टर्म जो है माइनस में हो जाएंगी, 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया इसको, तो ये अपना मेन इक्वेशन हो गई है, फंक्शन एफ जेड इजीएस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट इसको केस फर्स्ट लो, इसको एक्सपेंड करना है व्हेन रीजन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, देन फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो मेन एक पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है, जनरल फार्मूला यहाँ पर ये दिया, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में फार्मूला ठीक है सभी जानते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन, अपनी मेन कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 होना चाहिए। उसी केस में इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में एक्सपेंड करते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो, ठीक है। तो मेन इसमें कंडीशन क्या होती है, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी देन इसको एक्सपेंड करते हो। तो अब यहाँ पर भी इन्हीं इस ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड करोगे, जैसे देखो इसमें देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको रहने देना, ये तो एक्सप्लेन के लिए वैसे बताया है आपको समझाने के लिए। एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ये टर्म है तो इसको 1 प्लस जेड इनवर्स माइनस 4, ये हो जाएगा अपना
फोर प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। अब देखो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को एक्सपेंड करना है, मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन, तो मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन होगा तो इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। और यहाँ पर अब मोड ऑफ जेड की वैल्यू यदि वन से लेस है तो फोर से, तो फोर से भी लेस होगी, ठीक है, वन से कम है तो फोर से ऑलरेडी लेस होगी, ठीक है। मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन, देन मोड ऑफ जेड इज ऑल्सो लेस देन फोर, ठीक है। तो अब इसमें फोर कॉमन ले लो, फोर कॉमन लोगे इसमें तो फोर की पावर माइनस वन मीन्स अपॉन फोर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा इस, अब इस फॉर्म में मोड वन प्लस जेड अपॉन फोर, सिंपल कुछ नहीं, इसमें फोर कॉमन लिया है, ठीक है, फोर कॉमन लेंगे तो फोर कैंसिल हो जाएगा और इस केस में वन प्लस जेड अपॉन फोर इज की पावर माइनस वन, इसको एज इट इज रहने दो और ये वन, तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन, ठीक है, और ये मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन, देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन फोर, और मोड ऑफ जेड इज लेस देन फोर तो मोड ऑफ जेड अपॉन फोर इज लेस देन वन, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो, बिकॉज मोड ऑफ जेड इज लेस देन, सॉरी मोड ऑफ जेड अपॉन फोर इज लेस देन वन, बाइनोमियल एक्सपेंशन को तभी यूज करना है तब ये जो टर्म है ये लेस देन वन हो, ठीक है। मोड का मीन्स तो यही है कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है देन वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इजीली बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये ले लेना, सिंस मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन देन this term and mod of z upon 4 is less than, अब इसको expand कर दो, ठीक है, सिंपल नेक्स्ट expand करना है, ठीक है। सिंस द कंडीशंस mod of z इज लेस देन 1 एंड mod of z upon 4 इज लेस देन 1 आर वैलिड, देन बाई एक्सपेंड 1 प्लस z की पावर माइनस 1 एंड 1 प्लस z upon 4 रेज टू द पावर माइनस 1 बाई एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वी गेट f ऑफ z इज इन दिस फॉर्म। देखो वन अपने पास टर्म है वन प्लस जेड की पावर माइनस वन और वन प्लस जेड अपॉन फोर की पावर माइनस वन, तो जनरल फार्मूला लें वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, तो इसका फार्मूला जानते हो सभी, ये होगा, ठीक है। इन टर्म्स को वन, इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, तो समेशन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस एक्स रेज टू द पावर एन, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जनरल एक फार्मूला ध्यान रखो यहाँ पर, वन प्लस एक्स की पावर एन, तो उसके अकॉर्डिंग वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन, वन माइनस एक्स की पावर एन और वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन, सभी फार्मूले जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो, ठीक है। अब इसमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एन एन जहाँ जहाँ है वहाँ एन के स्पेस पर क्या पुट करोगे, माइनस वन, ठीक है, एन के स्पेस पर माइनस वन पुट करोगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी अपनी, ठीक है, करें तो ये फार्मूला ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लोगे, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर लो, एक स्टेप वन माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है, और वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो ये फोर फॉर्मूले, ये फॉर्मूला ध्यान है तो इनको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नहीं लेना सॉल्यूशन में, ये टर्म आ गई अपनी, तो वन प्लस जेड की पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह जेड आ जाएगा तो माइनस जेड रेज टू द पावर एन, और वन प्लस जेड अपॉन फोर की पावर माइनस वन एक्स के स्पेस पर जेड अपॉन फोर, तो माइनस जेड अपॉन फोर रेस टू द पावर एन, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर एन की वैल्यू माइनस वन कर दो, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन के फॉर्मूले को ही समेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ये,
नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो इजीली, 1-2 steps में सॉल्यूशन हो उतना सॉल्व कर लो इसको। तो देखो n की वैल्यू 0 पुट करो, एफ जेड इक्वल टू 1 - n = 0 पुट करोगे तो 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1-infinite -1^n z^n, ठीक है, माइनस एज इट इज रहने दो। और इसमें भी n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस n इक्वल टू 1-infinite इनको एज इट इज रहने दो। इसमें से -1^n ये अलग कर लो और z/4^n, ये 1 और 1, तो 1 और -1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसको इनमें समेशन वाली दोनों टर्म्स को एक साथ कर लो, ये -1 तो एज इट इज अलग रहने दो, और इसमें समेशन n इक्वल टू 1-infinite -1^n ये तो कॉमन ले लो, और फिर रिमेनिंग टर्म ये रह जाएगा अपना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एक -1 जो है वो ये हो गया, और ये दोनों टर्म, ये और ये दोनों टर्म माइनस आएंगी क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन है, तो ये माइनस आएगा और ये माइनस, तो -1 की पावर n और माइनस जो बाहर आ रहा है वो एक साथ कर लो, तो -1 की पावर n+1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस साइन कर लो, ठीक है, या ये कहो कि माइनस जो है प्लस तो कॉमन ले लो और माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये z^n प्लस z/4^n, तो इसमें से z^n को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1+4^-n, या 1/4^n से रिप्रेजेंट करो। तो इजीली जितना सॉल्व कर सको एक्सपेंशन के बाद तो वो सॉल्व करना है, ये इसका आंसर इसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है 1 < z (mod of z) = 4, तो 1 < mod of z, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए लेस वाली कंडीशन में अपने को चेंज करना होता है, तो 1/mod of z = 1, ठीक है, और ये कंडीशन यदि लेते हैं mod of z = 4, तो यहाँ से mod of z/4 = 1, ठीक है, तो ये कंडीशंस आ गई अपने पास, इनके अकॉर्डिंग अपने को बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है टर्म्स फंक्शन एफ जेड में है उनको एक्सपेंड करना है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देखो इनके अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंड करेंगे, फंक्शन एफ जेड की वैल्यू लो सबसे फर्स्ट, ये फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, अब इन ये कंडीशंस आनी चाहिए 1/mod of z = 1 और mod of z/4 = 1, ठीक है, तभी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो। तो 1 - ये तो एज इट इज रहने दो, अब इसमें 1/z, ठीक है, तो जेड को कॉमन लेना होगा, जेड को कॉमन लोगे तो ये तो कॉमन हो गया, और ये यहाँ से हो जाएगा 1+1/z^-1, ठीक है, -4 एज इट इज रखो, और इसमें से क्या कॉमन लोगे, जेड, तो जेड कॉमन हो गया, और 1+4/z कॉमन लोगे इसमें से, आप 4 कॉमन लें क्योंकि जेड यदि कॉमन लेते हैं, देखो क्लियर अपने आप यहीं से हो जाएगा, यदि जेड कॉमन लोगे तो ये आएगा 1+4/z^, डिनोमिनेटर में टर्म आएगी, ऊपर लोगे न्यूमरेटर में तो पावर -1 हो जाएगी, तो 1+4/z, तो यहाँ पर 4/z ये <1 होना चाहिए, बट जबकि अपने पास क्या है mod of z/4 = 1, इसलिए यहाँ पर जेड कॉमन नहीं लेके क्या कॉमन लोगे, 4, ठीक है, तो 4 कॉमन लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 कॉमन लो 1+z/4, ठीक है, तो ये z/4 आ गया, तो ये <1 होगा, देन वी एक्सपेंड बोथ ऑफ द टर्म्स बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसकी पावर -1, ठीक है, न्यूमरेटर में ले रहे हो तो पावर -1 आएगी, और डिनोमिनेटर में यदि एक टर्म ले रहे हो फिर नेक्स्ट में न्यूमरेटर में लाना है, मीन्स ये है कि -1 की पावर में इसको रिप्रेजेंट कर दो, तो इजीली फिर वही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लोगे, तो ये हो गया 1+z/4 - 1, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करो।
तो वन अपॉन जेड एच इट इज हो गया, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंसेस समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की जगह क्या है वन अपॉन जेड, तो माइनस वन अपॉन जेड रेस टू द पावर वन अपॉन सॉरी एन, और ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस जेड अपॉन फोर रेस टू द पावर एन। ठीक है, बार बार रीजन देने का यहाँ नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर रीजन ऑलरेडी दे चुके। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन इजीली जितना हो जाए वो कर लो। यहाँ पर सिंस ये कंडीशन वैसे यहाँ पर आ गए, नहीं भी दोगे तो भी नहीं है, वन अपॉन मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन एंड मोड ऑफ जेड अपॉन फोर इज लेस देन वन, या मोड ऑफ जेड अपॉन फोर इज लेस देन वन। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करो थोड़ा सा। तो सिंपल इसमें इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो माइनस वन की पावर एन और माइनस वन की पावर वन यहाँ पर, तो माइनस वन की पावर एन प्लस वन हो गया और जेड की पावर एन प्लस वन, तो जेड की पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज रहने दो, और एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन रेस टू द पावर एन जेड रेस टू द पावर एन और फोर रेस टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन है अपना, इजीली जितना कर सको वो कर लो। तो वन प्लस, अब इसमें एन इक्वल टू जीरो से तो ये वन हो जाएगी। ठीक है, और n इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट माइनस वन रेस टू द पावर n जेड रेस टू द पावर n फोर रेस टू द पावर माइनस वन, उसको तो एच इज रहने दो। तो ये टर्म तो वन, n इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये वन हो जाएगा और ये एच इज रहने दो। ठीक है, और इसमें देखो n इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो n इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो माइनस वन की पावर वन और जेड की पावर माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन जेड प्लस एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन जेड, ये वन और ये माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, और इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट करोगे तो माइनस वन की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, बाकी टर्म्स को एच इट इज रहने दो। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बुक में ये फर्स्ट जो स्टेप है वो रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेप इस फॉर्म में आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए।